Hey guys, welcome to my channel. Today I'm gonna review on Gala of London matte lipstick. जी हाँ, आज मैं Gala of London matte lipstick का review बनाने वाली हूँ and this is the most awaited video of my life. मैं काफ़ी दिनों से इसका वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन कुछ लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था तो स्वाचेस अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं बना पा रही थी लेकिन लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं आज इसका रिव्यू बना रही हूँ. गाइज, आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को और आपको अच्छा लगेगा. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड में लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिए. आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगे तो. गाइज, आई हैव फाइव शेड्स ऑफ दिस लिपस्टिक. मेरे पास इसका पांच शेड से, सारे शेड्स तो मेरे पास नहीं है, सिर्फ पांच ही शेड से मेरे पास. मैं शेड्स का नाम आपको बता देती हूँ. E01 चोको किस, E14 स्वीट रोज, E08 ऑरेंज डिलाइट जो मैं अभी लगाई हूँ, 112 रोजी ग्लो एंड E06 क्लासिक रेड. ये पांच शेड मेरे पास है जिसका आज मैं रिव्यू के साथ स्वाचेस भी करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके टेक्सचर के बारे में हम अगर बात करें तो ये बिल्कुल स्मूथ टाइप का है. इसे लगाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और इसके फॉर्मुलेशन बिल्कुल मैट तो नहीं है, ये क्रीमी मैट फार्मूला में आता है. मतलब क्रीमी मैट का एक पॉजिटिव साइड ये है कि ये अच्छी तरह से आपकी लिप्स को मॉइस्चराइज करता है. तो क्रीमी मैट इज़ अ गुड ऑप्शन. आई थिंक मैट से ये काफ़ी अच्छा है. और अगर आप मैट के बारे में सोच रहे हो तो इस लिपस्टिक को कैसे मैट बनाना है ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी. पहले इस लिपस्टिक के बारे में हम पूरा जान लेते हैं फिर मैट के बारे में सोचेंगे. जी हाँ, इसके टेक्सचर के बारे में मैंने बात कर ली, फॉर्मुलेशन इसका क्रीमी मैट है ये भी मैंने बता दी. और पिगमेंटेशन की बात करें तो ये हाँ बिल्कुल पिगमेंटेड है, आप देख सकते हैं. मैंने अभी ये ऑरेंज डिलाइट जो शेड है उसे लगाई है अपनी लिप्स पे और मैंने लिपस्टिक के नीचे कोई भी कॉन्सीलर या कुछ भी यूज नहीं किया है. अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये क्रीमी मैट फॉर्मूला में आता है. तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये लिप्स को मॉइस्चराइज करता है. शेड्स रेंज की अगर हम बात करें तो ये टोटल 14 शेड्स में आता है. मतलब मार्केट में इसका 14 शेड्स है टोटल. मोस्ट ऑफ द शेड्स रेड या पिंक या ऑरेंज या ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड में आता है. लॉन्ग लास्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये हाँ बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है. आई यूज दिस लिपस्टिक सिंस 2015. तो 3 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे लिपस्टिक का ब्रांड चेंज करना चाहिए. मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस लिपस्टिक को लेके. तो डेफिनेटली ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये होल डे आपकी लिप्स पे रहेगा. कुछ अगर खाना हो तो खाने के बाद इनर पोर्शन में थोड़ा सा लिपस्टिक चला जाता है तो उसको फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने लिप्स पे. सिर्फ इनर पोर्शन में ही जाता है, बाहर की लिपस्टिक बिल्कुल लास्ट करता है, होल डे लास्ट करता है. तो लॉन्ग लास्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल थम्स अप है मेरी तरफ से, ये लॉन्ग लास्टिंग है. वाटरप्रूफ के बात करें तो ये क्रीमी मैट फार्मूला में आता है तो डेफिनेटली ये वाटरप्रूफ रहेगा, वाटर से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा. अब बात करते हैं इसका ट्रांसफर प्रूफ के बारे में. अब देख सकते हैं ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है. तो इसके ट्रांसफर प्रूफ के बारे में जब हम बात करिए तो एक इंसिडेंट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी. ये इतना ज्यादा ट्रांसफर होता है मतलब आपकी लिप्स पे ये स्मज नहीं करेगा, आपकी चेहरा पूरा बिगाड़ नहीं देगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर जाता है. एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी ऑफिस में मेरी सामने कोई मेरी कलीग था जो कि मेल था और मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, अचानक वो ऐसा मुड़ा और मेरी लिप्स उसके शर्ट पर लग गई तो मेरी पूरी लिपस्टिक उसके शर्ट पे जा गई, ट्रांसफर हो गई. तो वो थोड़ा बहुत वरी हो गई थी उस वक्त की मेरी बीबी क्या सोचेगी मेरी शर्ट पे ऐसे लिपस्टिक का स्टेन आ गया. तो डेफिनेटली मैं कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर होता है तो आप इस बारे में थोड़ा बहुत सोच लीजिए. रास्ते पे अगर इसको लगा के आपको चलना है तो सिंसियर रहना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लिपस्टिक आपके लिप्स के अलावा किसी और के चेहरे पे या कपड़े पे ना चले जाए. ट्रांसफर प्रूफ ये नहीं है.
प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्राइस जो है MRP इसका 225 रुपीज़ है। आपको ये मार्केट में किसी भी दुकान पे आपको ये इजीली मिल जाएगी 225 रुपीज़ के अंदर। मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ में ये आपको इजीली मिल जाएगी। आप अगर नायका से ख़रीदना चाहते हैं तो नायका में काफ़ी अच्छा सेल चलता है गाला ऑफ लंदन मैट लिपस्टिक के ऊपर, तो आप नायका से भी ले सकते हैं। नायका की सेल में आपको ये 158 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफर चलता है। मेरे ख्याल से आपको नायका से ही लेना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट अच्छा मिलता है। अगर आप लोकल मार्केट से लेना चाहते हैं शेड्स देख के तो डेफिनेटली ले सकते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर जो शेड्स है मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है, मुझे 200 रुपीज़ पे करना पड़ा था इसके लिए। फिर मैंने नायका से शायद 2 शेड्स ऑर्डर किया था जिसके लिए मुझे पे करना पड़ा सिर्फ 158 और इस के लिए 149 रुपीज़ पे करना पड़ा था। तो डेफिनेटली आप नायका से ले सकते हैं या फिर लोकल मार्केट से भी आपको इजीली ये मिल जाएगा। अब जानते हैं इस लिपस्टिक को मैट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी, इस लिपस्टिक को मैट बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप पाउडर तो यूज़ करते ही होंगे, कॉम्पैक्ट हो या वाइट टोन हो, कोई भी पाउडर आप अपनी लिपस्टिक के ऊपर हल्के से लगा लीजिए तो ये बिल्कुल मैट हो जाएगा और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये मैट बनाने का जो ट्रिक है डेफिनेटली एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक आपका ये हेल्प करेगा। मुझे ये लिपस्टिक काफ़ी पसंद है क्योंकि ये क्रीमी मैट फॉर्मूला में आता है जो पूरे दिन आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, तो डेफिनेटली मुझे पसंद है। और इसका एक नेगेटिव साइड है, वो है कि ये इजीली ट्रांसफ़र कर जाता है कहीं पे भी, तो अगर आप ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक चाहते हैं तो गाला इज़ नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। आप डेफिनेटली कोई और मैट लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं, गाला आपके लिए नहीं है। बस इतना ही, चलिए स्वैचेस देखते हैं। तो गाइज, मेरे पास ये 6 शेड्स था। मैंने वीडियो के शुरुआत में कही बताई थी कि मेरे पास 5 शेड्स है, जी एक शेड मुझे याद नहीं था, अभी मुझे मिला वो ढूंढने के बाद। तो मेरे पास ये 6 शेड्स था, मैंने स्वैचेस दिखाई आपको 6 शेड्स के, और ये है सबसे ब्यूटीफुल न्यूड कलर, मुझे ये कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो डेफिनेटली आप इस कलर को चूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसका, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसे पोंछने के बाद ये स्टेन छोड़ जाता है या नहीं, तो देखते हैं। जी, आप देख सकते हैं
इसने कोई भी स्टेन नहीं छोड़ा, तो मेरे लिए ये लिपस्टिक डबल थम्स अप है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, बाय बाय।